दोस्तों, आपने भिंडी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने भिंडी का पानी पिया है कभी? जी हाँ दोस्तों, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक लाभ हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है। क्या आपने ओकरा के पानी के बारे में सुना है? जी हाँ, हम भिंडी के नाम से इसे जानते हैं। बहुत से लोग ओकरा या भिंडी खाना पसंद नहीं करते क्योंकि ये चिपचिपी लगती है उनको और इसका स्वाद भी अजीब सा लगता है। भिंडी आसानी से मिल जाती है हर जगह, साथ ही साथ ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, फिर भी कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। और आप सोच रहे होंगे कि आज हम भिंडी के बारे में इतनी क्यों बात कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए, इसके बारे में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि ओकरा यानी कि भिंडी को खाने के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। भिंडी से सिर्फ 30% कैलोरी मिलती है, साथ ही साथ इसमें 21 मिलीग्राम विटामिन भी पाए जाते हैं। इसके साथ इसमें 60 मिलीग्राम मैग्नीज़ियम होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। एक गिलास भिंडी के रस में आपको क्या क्या पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे वो जान लीजिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम होगा, फाइबर 3 ग्राम होगा, फोलेट 80 माइक्रोग्राम होगा और प्रोटीन 2 ग्राम मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए जानी जाती है। उनमें सबसे पहला है, अस्थमा के लक्षणों से छुटकारा दिलाएगा। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है, ये मधुमेह भी ठीक करता है, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा आजकल डिमांड है। ये गुर्दे की बीमारी से भी आपको बचा लेता है। तो चलिए दोस्तों, जान लीजिए भिंडी को और इसके पानी को बनाने की कौन सी विधि है, इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए। भिंडी के 4 टुकड़े आपको लेने हैं और 1 कप पानी। 4 ताज़ा भिंडी लें और उसके किनारे को काट लें। अब भिंडी को बीच से काटें, यानी कि बीच में एक चीरा लगाना है। 1 कप पानी में 4 भिंडियों को भिगोकर रख दें। इसे रात भर ऐसे ही भिगोकर रख दें। अगली सुबह कप से भिंडी को निचोड़कर निकालें और इसमें पानी को मिला दें। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और अब ये पानी आपके पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे रोज नाश्ते से पहले 1 दिन में आपको 1 बार पीना है। इससे मधुमेह बिल्कुल खत्म हो जाता है और वजन भी आपका कम हो जाएगा। इससे अस्थमा, अपच यानी कि पाचन की समस्या, गुर्दे की बीमारी, ये सभी बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभकारी है भिंडी का पानी। इसलिए दोस्तों, भिंडी का पानी पीना आज से ही शुरू कर दें। सिर्फ 15 दिन में ही आपको इतने स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलेंगे कि आप इस वीडियो की जानकारी अपने संबंधियों को भी देना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी औषधि है, आपके शरीर की बहुत सारी बीमारी को खत्म कर देती है। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।